पिछले दिनों हम लोगों ने इस विषय पर बात किया था कि आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं, ये बिट्रेयल क्या है। उस मैटर को देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक शिकायत की। उनका कहना है कि भाई ये तो आपने ठीक कहा कि भाई परिस्थितियाँ होती हैं, आदमी अपने इंटरेस्ट में काम करता है और इस वजह से कई बार ऐसा समय आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा मौका होता है कि आदमी अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किसी को धोखा दे देता है। पर सच्चाई ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से धोखेबाज होते हैं, उनके खून में मक्कारी होती है, स्वभाव से धोखेबाज होते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली बनाने वाले जॉन डी रॉकफेलर जब छोटे थे तो यूं ही उन्हें अपने पिता का साथ बहुत उपलब्ध नहीं था। उनके पिता हमेशा बाहर ही रहते थे, पता नहीं कुछ ऐसे वैसे काम करते रहते थे। बेचारी माँ के साथ रॉकफेलर भी काम करते थे और थोड़े मोड़े पैसे जमा करते रहते थे, आकर कमाते थे तो माँ को आकर देते थे। ऐसे में 2-3 सालों बाद एक दिन उनके पिताजी नमूदार हुए, प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो भाई अब पिता तो पिता है। दूसरे दिन जब वो जा रहे थे तो रॉकफेलर ने देखा कि अरे उनके तो वो सारे पैसे जो हैं वो गायब हैं। पिता ने उस पैसों की खनखनाहट उन्हें दिखाई और नोटों की गड्डी दिखाते हुए कहा कि इसकी ज़रूरत मुझको ज़्यादा है, तुमको नहीं। पिता ने बेटे बच्चे का, छोटे से बच्चे का कमाया हुआ पैसा ले लिया। क्यों? पिता की भी अपनी कहानी है। रॉकफेलर के पिता वेगाबॉन्ड की तरह इधर उधर घूमते रहते थे, तमाम जगलरी किया करते थे। वो कभी अंधे बनकर कारोबार करते थे, कभी बहरे बनकर कारोबार करते थे, कभी क्वैक डॉक्टर बन जाते थे और हर चीज़ का इलाज करते थे। इसी तरह उनका जीवन लगातार, कभी कभी घोड़ों की चोरी के बारे में भी खबर आई कि उन्होंने ऐसा किया। ऐसे ही फितरत थी उनकी, लगातार वो घूमते रहते थे और यही सब करते रहते थे। अपने परिवार और फैमिली का बिल्कुल ही उनको ध्यान नहीं था। अब ऐसे में जिस बच्चे को बचपन में ही पता चल गया कि किसी पर विश्वास मत करो, अपने बाप पर भी नहीं, और ये सीख किसने दी? उनके पिता ने। तो आप इस बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? इसे कैसा लगता होगा? क्या हुआ होगा जीवन में आगे? हालांकि रॉकफेलर बड़े हुए और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली बनाई, लेकिन जीवन भर वो अपने पिता की इन करतूतों पर पर्दा डालते रहे। जब वो एक सफल आदमी थे तो वो चाहते ही नहीं थे कि कोई जाने कि उनके पिता कौन थे और वो क्या क्या हरकतें करते थे। पिता जो एक बच्चे के लिए आस्था है, आधार है, विश्वास है, शक्ति है, ताकत है और भी बहुत कुछ है, युधिष्ठिर ने तो पिता को आकाश कहा है, अब ऐसा व्यक्ति अपने मासूम से बच्चे को धोखा दे दे तो क्या कुछ हो सकता है? जीवन भर रॉकफेलर इस तनाव में रहते थे। उन्हें लगता था कि कोई भी उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है, उन्हें लगता था कि उनका कारोबार कभी भी डूब सकता है, और इस तनाव में इतना ज़्यादा वो परेशान थे कि 50-55 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके सारे बाल गिर गए थे, उनकी ये बरौनियाँ भी समाप्त हो गई थी, झड़ गई थी, और उन्हें कोई भी मतलब कुछ भी वो जो खाते थे वो पचता नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अगर इतना तनाव लेंगे तो बहुत दिन जियेंगे नहीं आप। पर क्या ये स्वाभाविक नहीं था? फिर किसी तरह रॉकफेलर से बाहर निकले, उन्होंने एक लंबा जीवन जिया, बहुत सारे पैसों को दान दिया, शिकागो यूनिवर्सिटी को दान दिया, एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाया जिसमें बहुत सारे अच्छे और नेक काम होते रहे। पेंसिलिन की खोज भी उसी फाउंडेशन के अंदर हुई। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में परवरिश का बहुत योगदान है, कैसे माहौल में वो पैदा होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे उनका जीवन चलता है, उनके साथ समाज और परिवार से कैसा सलूक होता है, इन सब चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसा भी होता है कि उस लोगों के लिए कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती कि बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता, उनको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, उन्हें कुछ न कुछ मक्कारी या जगलरी करनी पड़ती है। इवन कि छोटे बच्चों में तो थोड़ी फितरत भी होती है, अब उनको आइसक्रीम खाना है तो कुछ बहाने से वो ऐसा करेंगे जिससे उनको आइसक्रीम मिल जाए। हम लोगों के स्कूल में ऐसा होता था बहुत बार, बच्चे जो होते थे वो
हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि सिनेमा जाना होता था तो कहते थे क्रिकेट मैच है, या आज कोई ऐसी घटना घट गई, या ट्यूशन के लिए टीचर ने बुलाया है चले गए। अब घर वाले क्या करते, भाई टीचर ने बुलाया है, मैच है तो जाना ही है, लेकिन पैसा कैसे लिया जाए, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। अब उसके लिए भी बहानेबाजी होती थी। तमाम लोग अपने घर में ऐसे बहाने करते थे कि अरे आज मेरे दोस्त के घर में ऐसा हो गया, उनके पिताजी कहीं चले गए थे, फीस के लिए पैसा नहीं था, तो अब हमको उसकी फ़ीस जमा करनी है। तो घर वाले कम से कम इतने तो होते ही हैं कि भाई ठीक है, अब दोस्त की बात है, फ़ीस ले लो। अब वो फ़ीस लिए, अब किसको याद रहता है कि फ़ीस किसने क्या ली कैसे ली। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, भाई चंदा लग रहा है, किस बात का चंदा है, तो वो कुछ वेलफेयर के लिए चंदा लग रहा है, अब घर वालों से झूठ बोले, चंदा लेके निकल गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसे में क्या होता है, धीरे 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 ये ब्रेन की कंडीशनिंग बनने लगती है। उन्हें लगता है कि बिना झूठ बोले तो अब काम नहीं चलने वाला। मैं एक बहुत, मेरे एक बचपन के मित्र थे, बहुत अच्छे भले से, पर उन्हें जाने क्या था कि वो कभी कुछ भी पूछिए एकदम सीधी सच्ची बात नहीं कह सकते थे। अगर उनसे पूछिए कि कहाँ से आ रहे हैं और वो अंधेरी से आ रहे हों, तो कह देंगे लोअर परली से आ रहे हैं। तो अगर उन्हें बताना हुआ कि वो श्याम मोहन से मिल के आ रहे हैं, तो बता देंगे कि राम मोहन से मिल के आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो श्याम मोहन भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो अंधेरी कहते भी तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों फितरत में ऐसा था कि वो बोलेंगे कुछ अलग ही, वो जो कर रहे होंगे वो नहीं कहेंगे। हालांकि वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ये फितरत उनकी थी। आप राजनीति में देखिए, राजनीति में लगातार अच्छे से अच्छे लोग, चुनाव आता है तो तरह तरह के वादे करते हैं। अब वो क्या होता है, मक्कारी ही तो है, झूठी तो है। अब वो कहते हैं भाई ये तो प्रतियोगिता है, अगला बहुत बड़े बड़े वादा कर रहा है तो मैं छोटा वादा क्यों करूं, मुझे तो अब जीतना है, जीतने के लिए करना पड़ेगा। तो ब्लफ के गेम में ये फितरत आप बहुत सारा जीवन में इधर उधर आप देखते ही होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, तो आप सतर्क हो जाइए। ऐसा क्यों होता है, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं? हाँ, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस बारे में काफ़ी काम किया और उन्होंने पाया है कि हमारे ब्रेन में एक डोपामिन रिसेप्टर जीन होता है और वो उसके दो प्रारूप होते हैं, उसमें एक शॉर्ट जीन होता है, एक लॉन्ग जीन होता है। तो जिन लोगों में लॉन्ग जीन होता है उसमें पाया गया है कि उसमें 60% लोग मक्कारी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, 40% नहीं करते हैं, लेकिन 60% लोग के साथ संभावना है कि वो ऐसी हरकत करेंगे। जो शॉर्ट जीन होती है उसके बारे में पता लगाया गया तो पाया गया कि उसमें लगभग 19-20% लोग ऐसी हरकत करते हैं, बाकी 80% लोग लगभग ठीक ठाक होते हैं। एक और चीज़ खोज में पता चली कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है जिसका नाम वेसोप्रेसिन है। वेसोप्रेसिन करता यह है कि लोगों में एम्पैथी डेवलप करता है। अगर आप किसी से सहानुभूत रखना, किसी से एम्पैथी रखना, किसी से समानुभूत रखना, किसी के दुख सुख को समझना, किसी की भावनाओं को जानना, ये सब चीज़ों का काम जो है वेसोप्रेसिन का है। तो ये पाया गया कि जिनके ब्रेन में ये कम होता है या होता भी है, उसका उपयोग कम होता है, उसका यूज़ कम होता है, वो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं। रिसर्च में ये पाया गया कि 700 लोगों पर इसके बारे में शोध किया गया, 700 ऐसे लोग लिए गए जिनके ब्रेन में वेसोप्रेसिन कम था, उन्हें वेसोप्रेसिन के डोजेस दिए गए, तो पाया गया कि कुछ दिनों में उनके अंदर एक गजब का डेवलपमेंट हुआ। वो दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगे और तमाम ऐसी हरकतों में जिसमें यह टेस्ट किया गया कि क्या वो मक्कारी कर रहे हैं, पाया गया कि नहीं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। तो अजीब बात है, अब ऐसे किसी आदमी में जिसमें वेसोप्रेसिन कम हो, जिसमें वो डोपामिन रिसेप्टर जीन का लॉन्ग प्रारूप वाला जीन हो, अब वो बेचारा क्या करे, उसको तो पता भी नहीं उसके अंदर ऐसा ऐसा है। उसको भी लगता होगा कभी, अगर वो सोचता होगा कि यार लोग मुझे मक्कार कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैं तो कुछ गलत नहीं हूँ, क्योंकि उसको गलत तो नहीं लगेगा ना, उसे तो लगेगा बस यही ठीक है। उसे उसका ये जीन, उसका दिमाग, उसका माइंड, ये हार्मोन, ये सब करा रहा है, वो बेचारा इसी में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, दुनिया उसकी आलोचना कर रही है। तो फिर चार्ल्स शोबराज और नटवर लाल के अंदर ऐसी फितरत क्यों थी, शायद इसी वजह से रही हो कि उनके अंदर या तो वेसोप्रेसिन कम हो या फिर वो लंबा वाला जीन, जो डोपामिन रिसेप्टर जीन का जो लंबा प्रारूप है,
वो हो और वो बेचारे इसको जानते ना हो और उनकी फितरत में ये धोखेबाजी और मक्कारी हो। अब ऐसा कोई आदमी आपके सामने डीलिंग में आए तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे भैया जाओ ऐसा है कि पहले अपना वेसोप्रोसीन और डोपामिन रिसेप्टर जीन का टेस्ट कराओ, तब मैं तुमसे डील करूंगा, तब मुझे पार्टनर बनाऊंगा, तब मैं तुम्हें दोस्त बनाऊंगा, तब मैं तुम्हारे साथ कोई एक्टिविटी करूंगा। ये वो भी नहीं जानता कि उसे ऐसा करना है और आप तो कतई ही नहीं जान सकते, किसी को कैसे जान सकते हैं कि वो ऐसा करेगा। अब ऐसा ही कोई शख्स आपका दोस्त, आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका या आपका पति या आपकी पत्नी या आपका पार्टनर या आपका बॉस या आपका रिश्तेदार कुछ भी हो तो मुश्किल होने वाली है। आपने वो गीत तो सुना ही होगा जिसमें वो नायिका शिकायत करती है कि भोली सूरत वाला निकला लुटेरा, रात छुपाए दिल में मुंह पर सवेरा। तो ये फितरत तो आप कई लोगों से सुनते होंगे, यार मुंह में तो एकदम मीठा वचन ऐसा लगता है कि, और अंदर मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब मुहावरे आपने सुने होंगे और शायद ऐसे लोगों से मिलकर ही लोगों ने इसको बनाए होंगे। पर वो बेचारा क्या करे, उसे तो खुद पता नहीं है कि वो इतना बेमुरव्वत, धोखेबाज, मक्कार, बेवफा है क्यों। तो फिर ऐसे में उनसे निपटेंगे कैसे? अब आप उनको वेसोप्रेसिन का डोज तो देंगे नहीं, तो फिर क्या, खैर मनाइए और हो सके तो दामन बचाइए।